विषम दिनों की संख्या 100 दिनों में विषम दिन, तो विषम दिन के लिए भाग कितने का देते हैं? 7 का 100 में भाग दिया, 14 × 7 = 98, 14 बार गया, बचा कितना? 2। तो ये 2 विषम दिन हैं। विषम दिन की एक और परिभाषा आप याद रख सकते हो, वे दिन जो सप्ताह का निर्माण नहीं करते विषम दिन कहलाते हैं। अच्छा जी, विषम दिन की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखो, एक क्वेश्चन आता है कि आज रविवार है तो 15 दिन बाद बार होगा, 15 दिन बाद बार होगा तो क्या बार होगा? तो सबसे पहले इस 15 दिन का विषम दिन निकालने पड़ेंगे अपन को कि 15 दिन में विषम दिन है कितने। अच्छा, 15 में विषम दिन कितने हैं? 7 × 2 = 14, 1 बच गया, तो 1 विषम दिन है। तो रविवार में मैं 1 और प्लस कर दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा सोमवार। तो 15 दिन बाद क्या बार होगा? सोमवार। और बेहद इंपॉर्टेंट, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोई सा भी बार हो, प्रत्येक बार 7 दिन बाद रिपीट होता है, वापस आता है। ठीक है भाई। अच्छा देखो, एक और क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं अपन। आज शनिवार है तो 100 दिन बाद बार होगा, देखिएगा 100 दिन में विषम दिन कितने? अभी अपन ने निकाले थे 14 × 7 = 98, 2 बच जाएंगे, 2 विषम दिन है, तो मैं इसमें शनिवार में कितने दिन जोड़ूंगा? 2 दिन जोड़ूंगा। और शनिवार में मैंने 2 जोड़े, रविवार, दूसरा सोमवार, तो क्या बार आ गया? सोमवार। अब इससे आगे देखिएगा, ये तो थी कैलेंडर की बेसिक नॉलेज। अब मैं टाइप बाय टाइप कैलेंडर को ख़त्म करूँगा। सबसे पहले टाइप में अपन देखेंगे, टाइप फर्स्ट में अपन देखेंगे कि एक महीने के अंदर बार याद करना, एक महीने के अंतर्गत बार याद करना। अब इसमें किसी एक महीने की बात करूंगा मैं, कोई सा भी एक महीना, जैसे कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूँ 1 जनवरी को, रविवार है तो उसी वर्ष 29 जनवरी को बार होगा। एक महीने के अंतर्गत की बात कर रहा हूँ, 1 जनवरी को रविवार है तो उसी वर्ष 29 जनवरी को बार होगा। अच्छा देखिएगा, तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए, किसी एक महीने के बारे में पूछे, तो सबसे पहले देखो दोनों डेटों के बीच अंतर कितने दिन का है। 1 से 29 28 दिन का अंतर है क्या? तो 28 दिन बाद 29 तारीख आएगी, 28 दिन बाद 29 तारीख आएगी, 28 दिन में विषम दिन कितने? 7 × 28 0, 0 जब विषम दिन है तो रविवार में मैं कुछ भी नहीं जोड़ूंगा और मेरा 29 जनवरी को बार आ जाएगा क्या? रविवार। आया समझ में? 1 जनवरी को रविवार था तो 29 जनवरी का बार पूछा गया। एक महीने में जब भी पूछे तो दोनों का सबसे पहले अंतर देखेंगे, अंतर है कितने दिन का? 28 दिन का है, और 28 दिन में विषम दिन कितने? 0। तो रविवार में 0 जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़े और मेरा बार आ गया रविवार। अच्छा, इसका दूसरा तरीका ये है, आपको पता है प्रत्येक बार कितने दिन बाद रिपीट होता है? 7 दिन बाद रिपीट होता है। 1 तारीख को यहाँ पे रविवार है तो इसके 7 दिन बाद कितनी तारीख होगी भाई? 1 में 7 जोड़े तो 8 तारीख हो गई, 8 तारीख को भी रविवार होगा के 7 दिन बाद भी रविवार, 8, 7, 15 तारीख को भी रविवार, इसमें 7 जोड़े तो 22 को भी रविवार, में 7 जोड़े तो 29 तारीख को भी रविवार होगा। एक तो ये तरीका है, इस तरह से आप प्लस प्लस करके चलते चलो, और दूसरा तरीका है दोनों में अंतर देखो और फिर विषम दिन याद करो, दोनों में अंतर डेटों में और फिर विषम दिन, तो आप आराम से बाहर निकाल सकते हो किसी एक महीने के अंतर्गत। चलिए अगले क्वेश्चन पे।
4 नवंबर 2019 को बुधवार है तो आपको बताना है 30 नवंबर 2019। अभी मैं बात केवल एक महीने की कर रहा हूँ। अच्छा देखिए 30 नवंबर का निकालना है और 4 का दे रखा है, 4 से 30 कितनी डेट आ गया है, कितने दिनों का अंतर है, तो सबसे पहले 30 में से 4 घटाए तो 26 दिन का अंतर है। अच्छा 26 दिन में विषम दिन कितने हैं भाई, तो विषम दिन के लिए 7 का भाग देते हैं, 7 या 21 कितने बच गए, 5, तो 5 विषम दिन हैं। अब मेरे को बुधवार में से 5 जोड़ना पड़ेगा भाई, बुधवार में 5 जोड़ना पड़ेगा। अच्छा जोड़ क्यों रहे हैं आप, तो ये देखिएगा तारीख थी 4, 4 के बाद तारीख कितनी आती है 5, और 4 से पहले 3। यदि आप 4 तारीख से एक भी दिन आगे बढ़ते हो, 4 तारीख से एक भी दिन आगे बढ़ते हो तो आपका बार प्लस होगा। बुधवार के बाद 5 को गुरुवार होगा क्या, यदि मैं 3 तारीख की बात करूँ एक दिन भी वापस जाऊँ तो बार हो जाएगा क्या, बुधवार में से एक कम हो जाएगा और ये हो जाएगा मंगलवार। तो किसी भी डेट से यदि अपन अगली डेट पे जा रहे हैं तो बार बढ़ेगा, और यदि अपन वापस की डेट पे आ रहे हैं तो बार घटेगा, ठीक है भाई। तो इसी तरह से बुधवार में 4 से 30 पे जा रहा हूँ यानी कि बार बढ़ेगा, बुधवार में मेरे को 5 जोड़ने पड़ेंगे, 5 जोड़िएगा, गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार। आइए चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो भाई अभी तक दोनों क्वेश्चनों में डेट आगे बढ़ रही थी, अब इस क्वेश्चन में डेट वापस जाएगी, देखिएगा कैसे। 28 फरवरी 2017 को सोमवार है, आपको बताना है 8 फरवरी 2017 को बार क्या होगा, ठीक है। तो देखो 28 फरवरी 2017 को सोमवार है, आपको बताना है 8 फरवरी 2017 को बार। अच्छा देखो दोनों डेटों में अंतर कितने दिन का है, 20 दिन का है क्या, और 20 दिन में विषम दिन कितने, 6 दिन, 20 दिन में विषम दिन कितने, 6। लेकिन 28 तारीख से मैं वापस आ रहा हूँ क्या, 8 पे, अब से पहले के क्वेश्चनों में जो डेट दे रखी थी उससे आगे वाली डेट पर जा रहे थे, और जब भी आगे वाली डेट पर जाओगे तो बार प्लस होगा, विषम दिन जितने भी हैं वो जुड़ जाएंगे। यदि आप वापस डेट पे आ रहे हो तो विषम दिन घट जाएंगे, तो मेरे विषम दिन कितने थे, 6, तो सोमवार में से 6 कम हो जाएंगे। अब सोमवार में से 6 घटाओ या फिर एक जोड़ो, बात एक ही है, सोमवार में एक जोड़ा तो मंगलवार। अच्छा हमारे ये समझ में नहीं आया कि माइनस 6 और प्लस 1 का क्या सिस्टम है, तो देखिएगा या तो मैं 6 कम करूँ या फिर एक जोड़ूं, तो बात एक ही है, 6 कम करने पर भी सोमवार में से मंगलवार आएगा, क्योंकि आपको पता है प्रत्येक बार कितने दिन बाद रिपीट होते हैं, 7 दिन बाद रिपीट होते हैं। माइनस 6 करो या फिर एक जोड़ो, 6 दिन पहले के और एक दिन बाद का, टोटल दिन कितने हो गए, 7, इन दोनों का योग 7 होना चाहिए, इधर माइनस है तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 29 जुलाई को मंगलवार है तो उसी वर्ष 5 जुलाई को क्या वार होगा, चलो देखिएगा 29 से वापस आ रहा हूँ मैं 5 पे, यदि मैं डेट वापस आ रही है तो माइनस होगा और प्लस आगे बढ़ रही है डेट तो प्लस होगा। 29 और 5 में कितने दिन का डिफरेंस है, 24 दिन का डिफरेंस है क्या, 24 और 5 29, तो 24 दिन का डिफरेंस है, 24 दिन में विषम दिन कितने भाई, 7 या 21, 3 बच गए, 3 विषम दिन है, यानी कि 3 विषम दिन को जोड़ूं या घटाऊं तो 29 से वापस आ रहे हैं तो घटेगा, और यदि आगे बढ़ते तो बढ़ता प्लस होता। मंगलवार में से 3 कम कर दो भाई, तो माइनस 3 किया मैंने, एक गया तो सोमवार, दूसरा कम किया तो रविवार, और तीसरा कम किया तो शनिवार। नहीं सर माइनस करने में दिक्कत आ रही है, तो आप प्लस 4 कर सकते हो क्योंकि 3 और 4 7। अच्छा मंगलवार में 4 जोड़ो, बुध गुरु शुक्र शनि, ठीक है भाई शनिवार, इनका कोई दूसरा तरीका, तो देखिएगा
28 तारीख को क्या बार था यहाँ पे, सोमवार। मैंने बताया था प्रत्येक 7 दिन में बार रिपीट होता है, तो इससे 7 दिन पहले भी सोमवार रहा होगा और इसके आने वाले 7 दिन बाद भी सोमवार होगा। 28 में से 7 कम किए मैंने तो कितना बच गया भाई, 21। 21 तारीख को भी सोमवार था, 21 में से 7 कम किए कितने बच गए, 14 को भी सोमवार था, 14 में से 7 कम किए कितने बच गए, 7, और 7 तारीख को भी क्या था, सोमवार। अब मेरे से पूछा जा रहा है 8 तारीख को बार, 7 के बाद 8 आती है क्या, तो 7 के बाद कितनी तारीख, 8 तारीख। अगली डेट पे जा रहा हूँ तो 8 तारीख को क्या बार हो जाएगा, मंगलवार, क्योंकि 7 को सोमवार है तो 8 को मंगलवार होगा और मंगलवार मेरा यहाँ आया था। अच्छा इसको देखिएगा, 29 जुलाई को मंगलवार है, ठीक है, 29 को मंगलवार है। अब इसके 7 दिन पहले कितनी तारीख थी, 22 तारीख थी, 22 को भी मंगलवार ही था। अच्छा इसके 7 दिन पहले कितनी तारीख थी, 15 तारीख थी, 15 को भी मंगलवार था। इसके 7 दिन पहले कितनी तारीख थी, 8 तारीख थी, 8 को भी मंगलवार था। और इसके भी 7 दिन पहले कितनी तारीख थी, 1 तारीख थी, और 1 तारीख को भी मंगलवार था। लेकिन मेरे से पूछा कितनी तारीख का बार है, 5 का। या तो मैं एक से आगे लिखते चलूँ मंगलवार के बाद में 5 दिन देखूँगा तो आ जाएगा मेरा बार, या फिर देखो भाई 8 से एक कम 7, 6, 5, 8 को मंगलवार था तो 7 को क्या हो जाएगा, सोमवार, 6 को रविवार और 5 को शनिवार, ठीक है। वापस इधर से कर सकते हो आप, 1 तारीख को मंगलवार है, 1 को मंगल, 2 को बुध, 3 को गुरु, 4 को शुक्र और 5 को शनिवार, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हो, गलत होने का कोई चांस ही नहीं है कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। अब इससे आगे देखिएगा, जैसे क्वेश्चन बढ़ता है कि किसी महीने की, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पे, किसी महीने की 7 तारीख मंगलवार के 2 दिन बाद पड़ती है, तो उस महीने की बीस तारीख को बार होगा। ये क्वेश्चन है आपके सामने, किसी महीने की 7 तारीख को क्या बार है, मंगलवार है, सॉरी किसी महीने की 7 तारीख मंगलवार के 2 दिन बाद है, तो उस महीने की 20 तारीख को क्या बार होगा। तो 7 तारीख का बार नहीं पता मेरे को, लेकिन ये कह रहा है कि 7 तारीख जो है वो मंगलवार के 2 दिन बाद है, यानी कि मंगलवार के 2 दिन बाद क्या बार होगा, एक दिन बाद बुधवार, दूसरे दिन बाद गुरुवार। तो 7 तारीख को क्या बार हो गया यहाँ पे, गुरुवार, ठीक है। अब मेरे से पूछ रहा है कि 20 तारीख को क्या बार होगा। अब 20 का बार निकालना है, 7 के 7 दिन बाद 14, 14 के 7 दिन बाद कितना हो गया, 21, 14 के 7 दिन बाद 21 तारीख, और 21 तारीख को गुरुवार है, तो 20 तारीख को मैं बता सकता हूँ कि एक दिन पहले का बार, एक दिन पहले का बार क्या हो जाएगा भाई, बुधवार, क्योंकि 20 के बाद 21 आती है, ठीक है। तो एक दिन कम हो गया गुरुवार में से और ये बुधवार। क्वेश्चन को वापस देख लो इसको, किसी महीने की 7 तारीख, जो 7 तारीख है ना वो मंगलवार के 2 दिन बाद है, यानी कि मंगलवार को नहीं है, मंगलवार के 2 दिन बाद है। एक दिन बाद कौन सा बार होगा, बुधवार, दूसरे दिन बाद गुरुवार, और मैंने लिख दिया 7 को गुरुवार है, तो 7 में 7 जोड़े तो 14 को भी गुरुवार होगा, 14 में 7 जोड़े तो 21 को भी गुरुवार होगा, लेकिन मुझे चाहिए कितनी तारीख का, 20 तारीख का, यानी कि इससे भी एक दिन पहले बुधवार। चलो ठीक है भाई, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि किसी महीने में
कितने रविवार होंगे, कितने सोमवार होंगे, यदि महीना 31 दिन का है तो सोमवार कितने होंगे। तो चलो इसको समझते हैं। तो किसी महीने में कितने रविवार, कितने शनिवार, कितने सोमवार, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए अपन को एक बार कैलेंडर बनाना पड़ेगा और उसको अच्छे से समझेंगे अपन यहाँ पे। अच्छा, पहला बार महीने का कोई सा भी हो सकता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, कुछ भी हो सकता है। मैं स्टार्ट करता हूँ रविवार से कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। अच्छा, महीना कोई सा भी रहा हो, स्टार्ट तो एक तारीख से होता है, चाहे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कैसा भी महीना हो, स्टार्ट तो एक तारीख से ही होता है। और ये फिक्स नहीं है कि एक तारीख को रविवार है, कुछ भी, कोई भी वार हो सकता है। तो मैंने तो यहाँ पे मान लिया कि एक तारीख को क्या वार है, रविवार। एक, दो, तीन, यदि एक को रविवार है तो दो को पक्का सोमवार होगा, ये तो फिक्स है, ठीक है भाई। चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस, पच्चीस, छब्बीस, सत्ताईस, अट्ठाईस, उनतीस, तीस, इकतीस। अच्छा, मेरे को एक चीज़ बताओ, अधिकतम महीने में कितने दिन हो सकते हैं? तो अधिकतम महीने में 31 दिन हो सकते हैं, एक महीने में 31 ही दिन होते हैं अधिकतम। और कम से कम कितने रह सकते हैं? यदि फरवरी साधन वर्ष का है तो 28 दिन का, इससे छोटा कोई महीना नहीं होता और इससे बड़ा कोई महीना नहीं होता। तो ये तो फिक्स है ना भाई। तो देखो, यदि फरवरी 28 दिन का है और उस महीने के बारे में पूछे कि उसमें कितने रविवार होंगे, कितने सोमवार होंगे, कितने मंगलवार होंगे, तो ये आपको पहले तो देखना है कि वर्ष कैसा है। साधारण वर्ष है तो फरवरी 28 दिन का होगा, और जब भी 28 दिन का महीना होगा तो उसमें ये सारे बार, जितने भी बार हैं ना, सात हो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, ये सारे बार चार चार बार आते हैं। ये सारे बार कितनी बार आते हैं? चार चार बार, क्योंकि सात छः को 28, चाहे बार हो एक तारीख को सोमवार हो, चाहे मंगलवार हो, चाहे शुक्रवार हो, कैसा भी बार हो, सारे बार चार चार बार आते हैं, ये फिक्स है भाई। तो जब भी महीना 28 दिन का है तो सारे बार कितनी बार आएंगे? चार चार बार आएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि महीना आपका 29 दिन का है, यदि महीना आपका 29 दिन का है तो केवल और केवल एक तारीख का बार, यदि महीना आपका 29 दिन का है तो केवल एक तारीख का बार कितनी बार आता है? पांच बार, बाकी सारे बार चार चार बार आते हैं। यदि महीना आपका 29 दिन का है तो एक तारीख को जो बार रहा होगा, यहाँ पे तो मैंने रविवार लिख दिया, चाहे कोई सा भी बार रहा हो, तो जो एक तारीख का बार वहाँ पे होगा वही बार 29 तारीख को होगा। और ये एक तारीख का बार कितनी बार आता है? पांच बार, क्योंकि प्रत्येक बार सात दिन बाद रिपीट होता है। जो एक तारीख को बार होगा वो कितनी तारीख को भी होगा? आठ तारीख को होगा, आठ के सात दिन बाद पंद्रह को होगा, के सात दिन बाद बाईस को होगा, के सात दिन बाद उनतीस को होगा। तो ये चीज़ याद रखेंगे, यदि महीना आपका 28 दिन का है, कितने दिन का, तो सारे बार पांच बार। यदि महीना आपका 29 दिन का है तो एक तारीख का बार कितनी बार? पांच बार, बाकी सारे बार चार चार बार आएंगे, केवल एक तारीख का बार पांच बार आएगा। अच्छा, महीना इससे बड़ा होगा तो 30 दिन का होगा। तो यदि महीना आपका 30 दिन का है, यदि महीना 30 दिन का है तो आपका एक तारीख और दो तारीख के बार कितने बार आएंगे? पांच बार आएंगे भाई, एक तारीख और दो तारीख के बार पांच बार आएंगे। यानी कि एक तारीख का जो बार है वो भी पांच बार आएगा, और दो तारीख का बार है वो भी पांच बार आएगा। जो दो तारीख को बार है वो ही 30 तारीख को होगा, ठीक है भाई। तो एक तारीख और दो तारीख के बार पांच पांच बार आएंगे। तीसरी चीज़ देखो, ये महीना यदि आपका 31 दिन का है तो जब भी महीना 31 दिन का हो तो उस महीने में एक तारीख, दो तारीख और तीन तारीख के बार पांच पांच बार, एक,
दो, तीन तारीख के बार पांच पांच बार आएंगे और शेष बार चार बार आएंगे। तो इससे ये क्लियर होता है कि यदि मेरा महीना 28 दिन का है तो सभी बार चार चार बार, यदि महीना आपका 29 दिन का है तो केवल एक तारीख का जो बार है वो पांच बार आएगा, बाकी सारे बार चार चार बार। यदि महीना 30 दिन का है तो एक तारीख और दो तारीख के बार पांच पांच बार आएंगे। यदि महीना 31 दिन का है तो एक तारीख, दो तारीख और तीन तारीख के बार पांच पांच बार आएंगे। ये टाइप फर्स्ट यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ, जल्द आगे टाइप सेकंड देखोगे आप, और टाइप सेकंड में मैं आपको बताऊँगा किसी एक वर्ष के अंतर्गत बार याद करना। ठीक है भाई, धन्यवाद।